अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, एक अहम पैगाम आपके नाम करना है। इलेक्शन का दौरे दौरा चल रहा है, हर तरफ से साजिशें चल रही हैं, रची जा रही हैं और हमारे अंदर शऊर बेदार नहीं हो रहा है। इसी जिमन में हमने एक प्रोग्राम 28 अप्रैल बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद रहीम खान कारवान में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का जो है ना प्रोग्राम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फ्रेंस का उन्वान रहेगा शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह ताला इसमें तमाम सियासी बातें होंगी और सियासत को मरूज रखा जाएगा और फिर वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाना है उस पर तदबीर की जाएगी इंशाअल्लाह अजीज, और किस तरीके से हम कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं वो भी इसमें बताया जाएगा। लिहाजा हम मुद्दिमाना गुजारिश करते हैं हमारे भाइयों से बहनों से कि जरूर ब जरूर आप जो है इतवार के रोज मगरिब में शामिल हो जाइए इंशाअल्लाह। ये हमारे जो है ना अब वजूद को खतरे में जो डाला जा रहा है उसके बारे में बात होगी इंशाअल्लाह ताला, और जो हमको मिटाने की साजिशें की जा रही हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर बात होगी इंशाअल्लाह। और फिर हमारे अपने मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसे पैदा किया जाए उस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। वोटिंग के परसेंटेज को कैसा बढ़ाया जाए उस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह अजीज। तमाम नुकात पर ये गुफ्तगु होगी। इसको माशाअल्लाह अजीज फजीलतुल शेख कुर्रम जामई साहब, फजीलतुल शेख उबैदुल्लाह फैजी साहब, फजीलतुल शेख अबू बकर बिन हक्कानी साहब, ब्रदर कासिम और आपके इस छोटे भाई को मौका दिया गया है कुछ कहने का। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि 28 अप्रैल को बाद नमाज मगरिब से यह इज्तिमा शुरू होगा और इंशाल्लाह कामयाबियों के झंडे ये इज्तिमा गाड़ेगा, हमारे इख्तलाफात को यह दूर करेगा और फिर दुश्मन के मुंह पर एक गहरा तमाचा ये इज्तिमा कायम करेगा। आओ अजीजान मोहतरम, शऊर बेदारी के जरिए से हम अपने वोटिंग परसेंटेज को कैसा बढ़ा सकते हैं वो तदवीर हम लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि ऐलान के बाद आप जरूर बजरूर इतवार को बिना किसी तावील के मस्जिद रहीम खान कारवान में हाजिर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।